जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजगढ़ नवल सिंह सिसोदिया के निर्देशन में एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस खिलचीपुर निशा रेड्डी के मार्गदर्शन में जिले में कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी अभियान को ध्यान में रखते हुए थाना भोजपुर में नातरा झगड़ा प्रथा के अंत हेतु एक अभियान भोजपुर पुलिस का सतत प्रयास नातरा झगड़ा मुक्त हो समाज चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत फरियादी नंदराम की रिपोर्ट पर थाना भोजपुर में आरोपी रामदयाल जगदीश रामलाल के विरुद्ध थाना भोजपुर में दिनांक 10 जुलाई को कई धाराओं में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। थाना भोजपुर की पुलिस टीम द्वारा घटना दिनांक से ही आरोपियों को पंच पिपली थाना डांगीपुरा जिला झालावाड़ राजस्थान पर यथाशीघ्र सरेंडर करने हेतु दबाव बनाया गया, जिन्होंने घटना की वजह लड़की को नहीं भेजना बताया, इसलिए नुकसान एवं झगड़े के 5 लाख रुपए मांगे। उक्त आरोपियों को दिनांक 12 जुलाई को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खिलचीपुर में पेश किया गया। झगड़ा नात्रा प्रथा एक सामाजिक बुराई का रूप ले चुकी है, जिसके तहत SP सर के मार्गदर्शन में बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, जैसे निर्भया मोबाइल है। उसी अभियान के भाग के रूप में भोजपुर पुलिस द्वारा भी एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका स्लोगन है भोजपुर पुलिस का सतत प्रयास नात्रा मुक्त हो आज का समाज। इसी अभियान के तहत 10/7/2020 को एक अपराध पंजीबद्ध किया गया 384/427/34 IPC के तहत, जिसमें 3 आरोपी रामदयाल रामलाल और जगदीश तवर के विरुद्ध यह अपराध था, जिसकी तलाश की गई। तो ये पंच पीपली गांव झालावाड़ जिला राजस्थान के थे। इन आरोपियों को पकड़ने के लिए थाने में एक टीम इस्टेब्लिश की गई, जिसमें उप निरीक्षक वीरेन ठाकर, हेड कांस्टेबल राजेंद्र मालवीय, कांस्टेबल कमल, ये सभी टीम में शामिल थे। इन्होंने पंच पीपली थाना डांगीपुरा जाकर इनकी धर पकड़ करने की कोशिश की, परंतु वे वहां से फरार हो गए। मुखबिर भी बहुत सारे लगाए गए। मुखबिर के माध्यम से पता चला कि ये लोग भोजपुर की तरफ आ रहे हैं, और फिर थाने की पुलिस टीम को फिर से मार्गदर्शन किया गया, उनको समझाइश दी गई। तो जैसे ही वो तीनों आरोपी यहां आए, तो पुलिस द्वारा इनको पकड़ा गया और थाने में लाया गया। थाने में लाके इनसे पूछताछ की गई, तो इन्होंने बताया कि लड़की को ना भेजना और 5 लाख रुपए के रूप में झगड़े की मांग करना इसका मुख्य कारण रहा, और 5 लाख रुपए ना देने के बाद नुकसान करना आरोपी द्वारा बताया गया। आज 13 तारीख को इन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो झगड़ा नात्रा के विरुद्ध जो अभियान जिले में चलाया जा रहा है, उसके लिए ये बहुत अच्छी कामयाबी रही।